हाँ जी प्रयागवासियों, क्या हाल चाल? आज काशी में हूँ, काशी बोले तो बनारस, बनारस बोले तो वाराणसी, कई नदियों का संगम है और यहाँ पे पूरी संगम को पूरा करने आए जायके के तौर पे। लगा लो ईयरफोन, जायके के साथ आपको अच्छा जायका चाहिए। तीन सौ पैंसठ दिन चलता रहता है और चार बजे मंदिर खुल जाता है, उसके बाद से सब कार्यक्रम चालू हो जाता है। ये 1937 से लेके और अभी तक चलता ही रहा है, अब आगे चलता ही रहेगा। आज आप देख सकते हैं बाबा प्रसिद्ध हुए 1937 में, उसके बाद से ये कार्यक्रम चालू है हमारा और आगे चलता ही रहेगा और अभी भी चलता है। शंकर बाबा, हरिहर बाबा दोनों मिल करके चालू किया, छोटे से मिट्टिया में बना के ये प्रसाद आज ये प्रसाद समूह है, समूह आपके सहयोग से ये प्रसाद लगा चल होता है और 365 चलता ही रहता है और कभी कभी 366 भी हो जाता है। हर हर महादेव हो, नमः शिवाय, जय सीताराम। है उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता, बाकी सब कुछ उसमें पड़ता रहता है। ये प्रसाद को अमृत समान जो भी भागशाली होते हैं वही ये प्रसाद को पाते हैं। अरे उरे दत्तु भरे नहीं पा सकते प्रसाद के लिए, इसके ऊपर महादेव कृपा करते हैं वही पाते हैं। टाइमिंग क्या रहती है? 7:30 11 AM नाइट बारिश हो, पत्थर गिरे कुछ मतलब नहीं है, बाबा का सेवा होना है, आपका पेट भरता है, हजारों लोगों को पेट भरा जाता है, हजारों हजारों लोगों को पेट भरता है, 4,000-5,000 आदमी लोग खाते हैं, ये पता चलता ही रहा है, आगे चलता ही रहेगा। पैसा नहीं फ्री सेवा होता है बाबा का, तो आप सबका भाव से देते हुए मिल पाए लोग अपनी सेवा देना चाहते हैं दे सकते हैं। जो पर्ची कटाओ या कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है, आइए आइए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है अच्छा खासा। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? प्रणय। अच्छा अच्छा, तो प्रणय भाई हमारे साथ में, साथ में भाई इनका जो मंदिर के ऊपर देखो मूवेबल मंदिर बनाया, साथ में महादेव की जो कृपा है। नहीं नहीं बैठेंगे नहीं, देख रहे हो प्रॉपर भाई साहब शिवलिंग है, साथ में मंदिर बनाया और
तो एट प्रेजेंट हम लोग है भाई खिचड़ी बाबा के पास में, जहाँ भाई सब हजारों की संख्या में खिचड़ी बांटी जाती, भंडारा होता है, भंडारा पापा बोलो, बट यहाँ पे क्या एक छोटी सी कोशिश है लोगों को, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है, साथ में ये चीजें है और भाई देख रहे हो प्रॉपर खिचड़ी प्रिपेयर हुई सारी चीजें, और एट प्रेजेंट लोकेशन है गदौलिया, लैंडमार्क आपको बता देता हूँ जय तुलसी साड़ी करके जस्ट सामने रहती है। तो भाई साहब ये हुई ना बात, प्रसाद अपने हाथ में, बाबा अपने सामने, मेकिंग भी आपको बनके दिखाया था और भीड़ पीछे का रश चेक कर रहे हो, ये भाई किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए प्रसाद रहता है, जो आपको लगे कि मतलब ऐसी चीजें चल रही है, बट जरूरतमंदों के लिए तो है ही है, बट जो चीजें हैं खिचड़ी वाले बाबा का प्रसाद है तो हम भी लिए हैं, लोगों की आस्था जुड़ी रहती है, अच्छी चीज ये प्रसाद भाई प्रसाद के तरीके से खाना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस चीज़ों को। तो सब लोग देखो खिचड़ी के प्रसाद को एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, तो हम क्यों पीछे रहे इस सबसे, देखो भाई कितनी श्रद्धा भावना से लोग लगे रहते हैं इस पर, ये देखो लाइन यहाँ तक भी जाती है वहाँ तक भी जाती है, तो भाई इस चीज़ को एक अलग महत्व होता है चीज़ों का, लोग अपनी श्रद्धा भावना से सेवा देते रहते हैं, कोई इससे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता ना भाई, महादेव। एक जायके को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप धरने की शुरुआत कर रहे हैं तो भाई वीडियो को कर ले वो स्टार्ट, और क्योंकि वीडियो होने वाली मजेदार स्वादिष्ट, तो इसी बात पे क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों यारों को बोलो बनारस जा रहे हो तो ये चीजें जरूर खाना, चटोरे भाई की रिकमेंडेशन।